गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आ चुके हैं अपने टेरेस गार्डन पे। आधे घंटे की वॉक कर ली है, हवाएं मस्त चल रही है। और जैसे कि आपको पता है, मैं फिक्स 5:30 जब आती हूँ, 5:30 के बाद 6 o'clock तक वॉक कर ली। वॉक करते करते एडिटिंग कर लेते हैं, जो वीडियो मैं रात को शाम को बना के रहती हूँ उसकी एडिटिंग कर लेती हूँ, और उसको सुबह भी डाल देती हूँ, और जो सुबह बनाती हूँ उसको तो मैं दिन तक डाल देती हूँ। तो इस तरीके से मेरा ये शेड्यूल चलता रहता है, जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे। तो इसीलिए एक दिन की 2 वीडियोज़ हो जाती है, थोड़ा थोड़ा सा टाइम मिलता है, थोड़ा थोड़ा सा वीडियो बनाती रहती हूँ, डालती रहती हूँ। तो आप वीडियो शुरू करते हैं सुबह वाली। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। पसंद आए आपको पता है कि क्या करना है। तो पहले तो आपको अपने टेरेस गार्डन का ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर चलते हैं। ओवरव्यू ऐसे ही हल्का फुल्का, पूरा नहीं दूँगी, फिर लेट जाती हूँ। और आज डे है क्या है, सैटरडे। आज मेरी क्लास की छुट्टी आज और कल की, तो एक्स्ट्रा कुछ काम भी कर लेंगे मौसम अच्छा रहा तो। तो देखो इस तरीके से उठाता है ये हमारा टेरेस गार्डन, दूर से दिखाती हूँ। देखो ऐसे इस तरीके से ये पिलर्स वगैरह लोहे के एंगल वगैरह मैंने अभी लगवाए थे, क्योंकि मैंने क्या बैम्बू के सहारे उसको ग्रीन नेट को बांध रखा था, चूँकि हवाओं से बार बार घिर जाता था, बहुत परेशानी आ रखी थी। जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है। तो वापस फिर अब ये लोहे का एंगल वेंगल कल लगवा के लगवाया था, तो अब ये सही चल रहा है। हवाएं इस बार बहुत आ रही है, तो उसके कारण वो टिक ही नहीं पा रहा था। अगेन फिर मुझे खर्चा करके थोड़ा बहुत ये करना ही पड़ा। तो चलो ठीक है, गार्डन का ओवरव्यू देते हैं। इस तरीके से बाहर हमारे हो जाते हैं धूप वाले प्लांट। धूप वाले प्लांट में से यहाँ से एक यूफोर्बिया मिली, मैं शाम को आपने जैसा कि वीडियो में देखा होगा ना, वो यूफोर्बिया मिली, वहाँ अंदर ले गई। बाकी सारे यहीं हैं धूप में मेरे। और ये मदर ऑफ थाउजेंड भी एकदम फुल धूप में कुछ नहीं बिगड़ता इनका यार। नीचे देखो कितने सारे इसमें बेबी जरूर है इसके। इस तरीके से हमारे ये हो जाते हैं, यहाँ ये हो जाते हैं, इधर ये हो जाता है, या 9 o'clock को रहते हैं। मधुमालती देखो अब कितने अच्छे से ग्रो कर रही है, आपको दिख रहा है इसकी हाइट भी बढ़ गई। जो नीचे नीचे पौधे हो रहे हैं ना, वो भी बढ़ने लगे, और इसकी हाइट भी बढ़ गई। और वहाँ से ना वो हटा रही मैं भीड़, बस बिल्ली ना निकल के भागे। ये यहाँ से एक बड़ा भीड़ हो रहा है, कब से सोच रही हटाऊँगी भूल जाती, तो मैं सोच रही आज हटा देती हूँ ये। ठीक है, मधुमालती अब ग्रो करने लगी, ये तो बड़ी हो ही रही है। तो चलो ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। हवाओं से क्या कचरा वचरा भी ज़्यादा हो जाता है, तो वो भी हटा लें। करें में खूब ब्लूमिंग हो गई, अब नहीं हो, खूब सारी ब्लूमिंग हो गई। जैसे कि आपको वीडियो में बताती रहती हूँ, आलमंडा की बेल गिरी, अभी भी आलमंडा की ये वाली बेल को मैं ना ऊपर चढ़ाऊँगी। जैसे अब टाइम है मेरे पास 2 दिन का, तो अब ये सारे एक्स्ट्रा काम करना है मुझे, क्योंकि इधर उधर घूमती रहती है। तो चलो ठीक है, ये बाहर का हो जाता है इस तरीके से। ये एरिया यहाँ सारे धूप के पौधे रहते हैं मेरे। ये इधर ये हो जाता है, ये इधर ये हो जाता है चंपा। मैं इस वाले चंपा में देखो, इस बार इस सीज़न में अब हो रही है, स्टॉक अब निकल रहा है। बाकी दूसरे चंपा में तो फ्लावरिंग आने लग गई, इसमें नहीं हो रही थी, इस प्लास्टिक वाले में, तो इसमें अब स्टार्ट हुई। हर सीज़न में होती है, इस सीज़न की नहीं हो रही थी, जो इस सीज़न में अब लेट स्टार्ट हुई है। और इस तरीके से ये बाहर के ये सारे हो जाते हैं हमारे फुल धूप में रहने वाले पौधे, जिनमें दिन भर की धूप चाहिए। इनके यहाँ तो ग्रीन नेट भी नहीं है, देखो बाहर यहाँ ग्रीन नेट नहीं है। ये जो बाहर अभी मैंने आपको दिखाए थे ना, यहाँ भी ग्रीन नेट नहीं है, वो है मगर वो अंदर की तरफ है, पौधे बाहर की तरफ है। तो इस तरीके से बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें फुल धूप में रखा जाता है। यार ये मेरे येल्लो वाला बोगनविलिया कहाँ कहाँ घूम रहा है। और इसकी मैंने सोची कटिंग लगा लूँ, इसकी कटिंग लगाती हूँ येल्लो वाले बोगनविलिया की। तो देखो मैंने क्या किया अभी, वो बोगनविलिया है ना ऑर्डर के, ये सब तो मेरे पास बहुत सारे। ये पिंक वाला देखो, पानी कम से कम दो ना, कितनी प्यारी फ्लावर होती है। स्टार्टिंग में रहता है ये पीच कलर, फिर धीरे धीरे से ये बेबी पिंक, ये पिंक कलर हो जाता है, कितना प्यारा लग रहा है देखो। तो इनकी भी कटिंग इजीली ग्रो कर जाती है सीजन में। तो देखो मैं क्या बोल रही थी, अब येल्लो वाले बोगनविलिया की उसको मैंने डंडे को वहाँ अंदर रखा, देखो आपको दिख रहा होगा इधर से, वो अंदर चली गई क्योंकि वो काफ़ी लंबी हो रही थी। लंबी होने के कारण वो कि इस पौधे बढ़ रही थी, और बोगनविले में आपको पता है कांटे होते हैं, तो सारा मेरा ये वाला पौधा ख़राब कर रही थी ये देखो इस तरीके से। इसलिए मैंने इस डंडी को अंदर ले लिया, अभी कटिंग से कटर से कट कर दूँगी इसको। और यार एक और बोगनविला देख रही थी मेरा, जो इसकी मैंने कटिंग लगाई थी, वो कैसे क्या ग्रो कर रही है वो भूल गई देखना, वो देखते हैं। आओ देखो ये इतनी मोटी बोगनविलिया की मोटी से मोटी भी कटिंग चल जाती है। देखो ये कितनी मोटी कटिंग मैंने लगाई थी, ये भी ग्रो करने लग गई, अच्छी चल रही। और इसका देखो कितना मोटा हो गया, हो तो उसका बॉन्साई बनाओ बहुत ही प्यारा लगेगा। अभी पता नहीं मेरे को बॉन्साई का क्रेज़ क्यों लग रहा है। तो चलो ठीक है, इसका तो कुछ नहीं करेंगे, एक और है उसका कुछ करेंगे। अब चलते हैं आगे। और आलस आ रहा, पता नहीं क्यों आलस आ रहा मुझे इतना। अच्छा ना, पता आलस कब आता है,
जब कुछ काम वाम नहीं होता, और आज मेरी की क्लास नहीं है। रोज क्लास होती थी तो मैं एक्टिव रहती हूँ, वहाँ सैटरडे ना, तो आज मुझे इतनी टेंशन नहीं कि आज मेरी कोई क्लास वगैरह है, तो आज कोई क्लास है ही नहीं, मुझे फ्री होकर काम करना है, तो फिर मुझे आलस चढ़ जाता है। ये मैंने नोटिस किया है, हमेशा सैटरडे संडे आता है और मैं आलसी रहती हूँ। ये देखो इस तरीके से ऐसे, तो दिमाग में कोई टेंशन नहीं होती है। ये ऐसे ऐसे ऐसे, अब चलते हैं अंदर। देखो पहले मैं उस बोगनविलिया को काट देती हूँ, नहीं तो उसके कारण क्या मेरे दूसरे पौधे भी ख़राब हो जाते हैं। तो चलो ठीक है, एक तो मैं ये काट रही हूँ गुलाब, ये बार बार इधर अड़ के ये वाला पौधा ख़राब कर रहा है, इसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। तो ये मेरा ये, और ये देखो इसने अड़ अड़ के यहाँ इसको ख़राब कर दिया पूरा, इसको भी काट देती हूँ, ये लगी हो रहा है, इसको भी काट देती हूँ। सिंगोनियम है काफ़ी, सिंगोनियम ही रे क्या है ये, वो कोलियस, कोलियस सिंगोनियम, इन सब में मैं कंफ्यूज होती रहती हूँ। ये सब खत्म हो गया था, कुछ एक पौधे होते हैं जो ध्यान में नहीं आते, हाँ करेंगे के चक्कर में चलते रहते हैं, तो उसको मैंने कट कर दिया है। अब अच्छे से ग्रोथ ले लेगा, इसकी कटिंग नहीं, इसकी कटिंग सूख गई है, ये नहीं चलेगी। अब इसको हमारे कंपोस्ट में डाल देंगे, अब चलते हैं आगे। कटर ले लिया है, अब वो सबसे पहले बोगनविलिया कट कर रही हूँ मैं यहाँ से। इसने मेरे पौधों को ख़राब करके रखा, इसकी मेरे को कटिंग चाहिए थी ना, इसलिए मैंने इसको बचा के रखा था, क्योंकि येलो वाला मेरे पास एक ही है। यहाँ से कट कर, हो गया कट भाई। तो देखो ये तो मैं ले आई बोगनविले की कटिंग, और अलमांडे की बेल भी मैंने इस तरफ बांट दी, वो इस तरफ जा रही थी तो टच होकर ख़राब हो रही थी, और ये अब ये अच्छे से चलेगा ये वाला। इसकी भी मुझे कटिंग लगानी है, तो ये कटिंग भी लगाऊंगी अभी, और मैंने इसको यहाँ बांध दिया इस साइड, वहाँ से हटा के इसको मैंने इस साइड यहाँ बांध दिया तार से। चलो ठीक है, अब उसकी पहले कटिंग लगा देती हूँ मैं, रह जाता तो फिर यार क्या रह ही जाता, इसलिए मैं इसकी सबसे पहले कटिंग लगा रही हूँ। तो देखो इसमें कांटे कितने तगड़े हो रखे हैं, देखो इतने इतने भयंकर कांटे हैं इसमें, देखो देखो इतने, देखो इसलिए कि वो मेरा प्लांटर है ना, वो दूसरा वाला प्लांटर है चमेली का, उसको ख़राब कर रहा था ये। अब मैं इसकी कटिंग कितनी बना सकती हूँ, देखो मेरे को इतनी कटिंग चाहिए, एक दो, हाँ दो निकाल लेती हूँ, दो, हाँ दो काफ़ी है। एक इधर से कट कर ली मैंने इसको, और एक इधर से यहाँ से कट कर लेती हूँ। बोगनविलिया कैसे कहते हैं कि छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी कटिंग चल जाती है, मोटी से मोटी और पतली से पतली चल जाती है, तो ट्राई करेंगे कितनी क्या चलती है। ये तो ये हो गई, अब सोच रही हूँ इसको भी लगा ही देते हैं, क्योंकि येलो मेरे पास नहीं है, उगेगा तो ठीक है, नहीं उगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये सारी मैंने उसके फ्लावर कितने कुल लगते, तो बोगनविलिया मेरे पास है ना ऑल ओवर सारे हो गए, बोगनविलिया बहुत प्यारे लगते हैं यार। इस तरीके से इसकी कटिंग को भी ट्राई करेंगे लगा के, ये जिस मिट्टी में गाड़नी तो है, और इन सबको भी अच्छे से कटवट कर लेते हैं, इनकी लीफ वगैरह सारी, और फिर इन्हें कहाँ लगाऊंगी वो आपको बताऊंगी। तो चलो ये तैयार कर लेती हूँ पहले मैं ये कटिंग्स। बोगनविलिया ऐसे प्लांट है जिनको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, एक बार आपके गार्डन में आ गए ना तो वो ग्रोथ करते रहते हैं, आप उसे कटिंग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ज़्यादा ना फर्टिलाइज़र देना ना ज़्यादा पानी देना। ज़्यादा फर्टिलाइज़र दोगे तो पत्तियाँ ज़्यादा आएगी, ज़्यादा पानी दोगे तो पत्तियाँ ज़्यादा आएगी, फूल कम आएंगे। कम पानी दोगे ना तो फूल ज़्यादा आएंगे और पत्तियाँ कम आएंगी, इस तरीके से कुछ होता है। ये देखो हो गई तीन कटिंग्स, अभी इसे लगाते हैं। तो देखो इसकी कटिंग्स लगाने के लिए मुझे कोई ढंग की जगह नहीं मिली थी, देर से ढूंढ रही थी, तो मुझे लगा क्यों ना इसी कटिंग के साथ लगा दी जाए, ये जो कटिंग ग्रो कर रही है और ये काफ़ी वाइट प्लांट भी है, तो इसी में लगा दूँ, जब ये ग्रोथ पकड़ लेगी तो इसे निकाल देंगे इसमें से। तो इसकी कटिंग को मैं कहाँ लगाऊँ, अंदर की तरफ लगाऊँ, देखे यहाँ बाहर नहीं लगाना चाह रही, यहाँ लगाना चाह रही हूँ यहाँ अंदर, तो यहाँ होल कर देती हूँ। एक तीन कटिंग्स है ना ये, अरे हो जा भाई, ये दो और ये तीन होल मैंने यहाँ कर दिए इस तरीके से, देखो है ना। अब ये कटिंग उठाते हैं और फिर लगाते हैं आधा पार्ट इसका, आधा कटिंग मैं हमेशा ना आधी कटिंग्स को अंदर डालती हूँ, जिससे वो एक नोड एरिया ना चले तो दूसरा चल जाए, दूसरा ना चले तो तीसरा चल जाए, इसलिए मैं आधी कटिंग को अंदर लगाती हूँ इस तरीके से ऐसे। अब इस कटिंग को लगाते हैं और फिर इसको अच्छे से पानी दे देंगे, और फिर भूल जाएंगे कि हमने कोई कटिंग लगाई है, ज़्यादा कुछ छिड़का नहीं, इसलिए मैंने अंदर वाले एरिया में लगाया, बाहर वाले एरिया में अगर लगाती ना तो अगर कोई टच वगैरह भी होता या आता करता भी इससे तो कटिंग हिल जाती है, इसलिए मैंने इस वाले एरिया में नहीं लगाई, बाकी एरिया यहाँ भी खाली था वहाँ लगाई जिससे कटिंग हिल नहीं पाए।
ऐसे अब इसको अच्छे से दे देंगे पानी और फिर भूल जाएंगे कि हमने कुछ लगाया। जब ये ग्रोथ पकड़ने लगेगी तो हमको खुद को पता चल जाएगा। अच्छा यहाँ तो कटिंग्स थी, देखो चल पड़ी वो कटिंग्स जैसे मैंने ये कटिंग लगाई थी। अब इसको अच्छे से पानी देते हैं भर के, तो वो काम हो गया। अब आपको ओवरव्यू दिखा देते हैं इस तरीके से सारा। ये बाहर का तो मैंने दिखा दिया है, अंदर का ये बोगनविले यहाँ लगा रखे हैं। अब इसको अभी रिपोर्ट नहीं करूँगी, जब बड़ा गमला कुछ डिसाइड करूँगी। अभी तो सबसे पहले मुझे ये, क्योंकि इसका रूट बॉन्ड हो गया है, ये नहीं लगाना है। और इस तरीके से हमारा हो जाता है ये टेरेस गार्डन। ये देखो सारे कटिंग्स मैंने इधर लगा रखी है, इधर ये, इधर ये, इधर ये, इधर ये, इधर ये, इधर ये। अब वो प्लांटर लाना है मुझे, वहाँ से उठा के लाना है बाहर। ये सीमेंट का है, उसको वहाँ से लाती हूँ। और तो क्या, बस एक बार ओवरव्यू दिखाती हूँ आपको ज़रा। बहुत सारे काम मेरे ना पेंडिंग चल रहे हैं, उनको करना है मुझे सबसे पहले। इस तरीके से मोगरा में, तो देखो मोगरा में इसमें भी कल मैंने कोई दिखा दिया कि सर फूल आ रहे हैं, और इस बाहर वाले मोगरे में बहुत सारे आ रहे थे बड़े। ना देखोगे ना ये कहाँ से आ रही है, मंडे कितनी सारी बर्ड्स आ रही थी, बहुत सारी आ रही है। अभी आपको देख नहीं रही मगर बहुत सारी आ रही है इसमें। और इस तरीके से हो जाता है हमारा ये इधर ये वाले प्लांट्स रखे हैं मैंने। लाल सा का प्लांट मैंने यहाँ लगा दिया था ऐसे। रियो का एक, जिसके मैंने आपको कल बताया था ना कि उसके पास और कहीं भी लगा रखे, तो रियो के मैंने इसमें भी लगा रखे हैं। ये भी फॉक्सटेल फन इसमें है। इस तरीके से ऐसे मैंने रख रखे हैं। अगेन ये वाला पार्ट हमारा हो जाता है। यहाँ इंडोर कह लो, इंडोर प्लांट्स रखे हैं। रेन लिली हुआ, सॉन्ग ऑफ इंडिया हुआ, कोलियस हुआ, कलेंचू हुआ, कलेंचू नहीं सिंगोनियम हुआ, ग्रीन ग्रास हुआ, ये सब यहाँ रखे रहते हैं। देखो मनी प्लांट अब कितना अच्छे से ग्रोथ पकड़ लिया इसने। और इस तरफ जाएं ऊपर हमारे ये इस तरीके से ये हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। ये एस्पेरिकस फर्न हुआ, ये मैंने यहाँ रख दिया था कल, आपको वीडियो में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था ना, क्योंकि सारे कलेंचेस मैंने यहाँ रख दिए थे, बड़े वाले यहाँ रख दिए थे। ये सारे हमारे हैं इस तरीके से मेरे पौधे। अब ये वाला एरिया दिखा देती हूँ सारा। अभी ये बोगनविले की कटिंग की थी, उसकी पत्तियाँ हैं। अब तो देखो इस तरफ आते, अभी वापस एक चीज़ गिर गई थी वो मैं सही कर रही थी। इस तरफ आए तो ये हमारा इंडोर प्लांट का सेक्शन हो जाता है। कल मैंने वो शिफ्ट किया था, ये फॉक्सटेल फर्न वगैरह यहाँ लगाया था, उस वीडियो में आपने देखा होगा। अभी एक की क्या हो रहा है, ये ना रबर प्लांट इस तरीके से नीचे की तरफ गिर रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ सपोर्ट लगाना पड़ेगा यार, ये ऐसे इसको सपोर्ट लगा के सीधा करना पड़ेगा। पर फिर इस तरीके से ऐसे आ रहा है, एक डंडी वंडी कहीं ढूंढ के लाती हूँ पहले मैं। और अगेन ये प्लांट है ना मेरा, ये बहुत, ये तो कोई ना गिरते ये वाला, मगर ये फिर गिर गया ये वाला। देखो इसको, ये मेरा डिया है, ये तो ये भारी हो रहा है, इसकी मिट्टी है ज़्यादा ही हल्की, पता नहीं चल रहा है। ये वाला प्लांट है मेरा, तो मैंने क्या किया, अब इस पर ये जो अर्थन पॉट का ये मेरा डिया है ना, ये लगा दिया पीछे सपोर्ट, तो अब ये नहीं गिरेगा। नीचे लगाने के बावजूद भी, मतलब नीचे रखने के बावजूद भी ये गिर रहा था, तो चलो ठीक है, ये काम हमारा हो गया। ये हमारे सब बढ़िया चल रहे हैं, इनको मुझे लगाना है। और सबसे पहले तो पॉनी टेल पाम का काम करूँगी, तो कल भी बोला और कल भी कुछ नहीं किया, आज तो वो काम करेंगे। और छोटे प्लांटर्स मेरे पास अभी नहीं हो रहे, इसके लिए छोटे प्लांटर नहीं है। कैलिडियम लगाने के लिए है, मगर उनको मेरे को वो थोड़ा पेंट वेंट करना है नीचे जाके। और एक ये इसके लिए भी नहीं है, तो इन सबको मुझे तैयार करना है। प्लांटर्स तो है, प्लांटर को मगर गंदे हैं क्या, उस पर कलर वगैरह करना है। आपको बताऊँगी नीचे जाऊँगी जब डीआईवाई बनाऊँगी ना उसके, इस तरीके से। तो चलो ठीक है, अब क्या कर रही हूँ मैं, बाकी यहाँ सब बढ़िया चल रहा है। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे ये वाले। अब मैं क्या कर रही थी काम, ये हो गया। पर सबसे पहले इसका सपोर्ट ढूंढ रही हूँ, इसका सपोर्ट मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो ये लटक रहा है। और बाकी ये सब बढ़िया चल रहा है यहाँ, ये सब क्रीपर चार्ली ये हुआ, ये तो देखो मेरा मीठा नीम कितना अच्छा चल रहा है। और यहाँ मैंने तुलसी जी करे थे ना, ये भी अच्छे से चलने लगी, तुलसी जी रिपोर्ट किए थे तब। क्रोटन यहाँ ले आई हूँ, क्रोटन के पत्तियाँ मुझे काटनी है, अभी काटूँगी। ये सब काम मेरे अब करने के हैं। देखो इस तरीके से क्रोटन की जितनी भी जली हुई पत्तियाँ हैं ना, सब निकाल दिया मैंने। ऊपर शूट आ रहा था नया, वो भी निकाल दिया, तो चली हुई सारी पत्तियाँ मैं निकाल दूँगी अभी ऐसे। इसका मतलब ये वो क्रोटन बिल्कुल भी धूप में नहीं रहता, इसको थोड़ी सी भी धूप लगी ये जलने लगे। सुबह सुबह की धूप लग रही थी यार जिसमें, और अभी तो मई जून की, तो सुबह की धूप भी बहुत तेज लग रही है। अगर अभी मौसम जैसा कि रह रहा है कि पूरे सीज़न ही बारिश हो रही थी, अगर वैसा मौसम नहीं होता ना, तो ये तो बिल्कुल ही जल जाता। इतना सही मौसम होने के बाद भी इसकी कंडीशन ऐसी हो गई है। तो चलो ठीक है, काम करते हैं। तो चलिए इसकी डंडी ढूंढती हूँ यार। तो देखो मिल गई मुझे लकड़ी, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है मगर काम तो चल जाएगा। अब देखो इसको मैं ना इसमें काट रही हूँ, देखो
कहाँ गया इसमें, ऐसे नीचे की तरफ पूरा गाड़ दूंगी। नीचे पहुंच गई। अब इसको इसका सपोर्ट से इसको ऐसे सीधा बांध दूंगी, किसी से लाके सीधा बांधती हूँ, कुछ ढूंढती हूँ धागा वागा कुछ। तो देखो इस तरह से मेरे को धागा मिल गया था और यहाँ बांध दिया। आज है ना तबीयत ख़राब हो रही है मेरी, इसलिए मैं थोड़ा आवाज़ ही निकल रही है, अच्छा भी बिल्कुल नहीं कर रही, मगर आज नहीं किया तो फिर काम कब करूँगी, इसलिए करते हैं। ये देखो यहाँ नीचे बांध दिया इसको, अब यहाँ ऊपर बांध देती हूँ उसको मैं ऐसे। तो देखो इस रबर प्लांट को मैंने इस तरीके से अब बांध दिया, अब ये सीधा हो गया। बाकी क्या लटक ही रहा था ऐसा गिर गिर के गिर गिर के, तो चलो ठीक है ये काम कर दिया। सपोर्ट नहीं मिले तो धीरे धीरे ये पौधा भी लग ही रहता, मतलब इतना लंबा इसका स्टिक चला जाता है फिर ये ख़राब ही रहता है, इसलिए बांधना ज़रूरी होता है। ऐसा कोई भी प्लांट जिसे सपोर्ट की ज़रूरत है उसी से हमें सपोर्ट दे देंगे तो क्या ख़राब हो जाता है फिर वो। तो देखो आज ना थोड़ा सा पेट पेट दुख रहा है, तबीयत ख़राब हो रही है आज मेरी, आवाज़ में मेरी कमी निकलेगी। तो देखो मैंने क्या किया, देखो दिखाती हूँ आपको। देखो ये एशियाटिक लिली है मैंने तोड़ दिया, इसमें सभी फ्लावरिंग हुई थी ना आपको पता ही है। देखो इस तरीके से क्यों तोड़ा बताती हूँ, इसको एक तोड़ने का रीज़न था ये लैग ही हो रहा था, मतलब ऐसे लटक रहा था और इसका भी कुछ काम भी नहीं है, इसमें फ्लावरिंग हो चुकी है अब नहीं होगी, इसका बल्ब सेव करना है हमें। तो यहाँ इस तरीके से मैंने यहाँ इसको कट कर दिया, ये देखो यहाँ से इसको कट कर दिया, इसका बल्ब सेव रहेगा। दो हो गए मेरे पास, एक दो सॉन्ग ऑफ इंडिया देखो कटिंग की थी ना यहाँ से ग्रो कर गया। एक और चीज़ मैं आपको सॉन्ग ऑफ इंडिया के बारे में, और यहाँ जगह खाली थी तो यहाँ मैंने ये वाला मेरा ड्रेसिंग ला के रख दिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया के बारे में एक और जगह एक और चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये देखो सॉन्ग ऑफ इंडिया एक तरह से सॉन्ग ऑफ इंडिया की वेराइटी है। ये देखो इस तरह से ये और ये तीन मेरे ग्रो नहीं किए, ये भी मैं आपको बात बताना चाह रही थी, मेरे को लगा टाइम है तो बता देती हूँ आपको। ये पानी में ग्रो नहीं किए, इसके अलावा सारी कटिंग्स मेरे पानी में चल गई है, मैंने लगा भी दी उनको। ये देखो इस तरीके से ये सूख गई है, इसके काफ़ी दिनों से उसमें है, ये इस तरीके से ऐसा हो गया, ये मिट्टी में ही ग्रो किया मेरा। ये भी बिल्कुल सूख गया, ये देखो ऐसा, अब ये भी बिल्कुल सूख गया है, देखो चल ही नहीं रहा है सॉन्ग ऑफ इंडिया, पता नहीं इसमें रूट्स नहीं आती। तो आई होप कि आप भी मुझे बताइए कि सॉन्ग ऑफ इंडिया पानी में क्या ग्रो नहीं करता है क्या, सब बोलते हैं कि इजीली ग्रो हो जाता है। देखो बाकी मिट्टी में इसकी कंडीशन कितनी अच्छी है, देखो मिट्टी में ग्रो कर रखा है ना, ये देखो कितना अच्छा हो रखा है, ये देखो इस तरीके से। ये एक और जगह लगा रखा है यार, अब कहाँ लगा रखा है वो याद नहीं आ रहा मगर लगा तो रखा है। तो ये देखो इसकी एक ये मेरा पौधा और कहाँ है अभी याद नहीं आएगा, जब मैं वीडियो बंद करूँगी ना तब आएगा याद। सॉन्ग ऑफ इंडिया एक हीरा यार, एक और है याद नहीं आ रहा कहाँ है वो। ठीक है चलो छोड़ो उसको तो छोड़ो अब। हाँ अरे तो सॉन्ग ऑफ इंडिया ये कहते हैं ना कि पानी में ग्रो कर जाता, नहीं करता यार, मैंने काफ़ी टाइम से लगा रखा है, बाकी सारी कटिंग चल पड़ी है आपको पता है, लगा भी थी मैंने उन सारी कटिंग्स को मगर ये नहीं चल रही है। देखो इस तरीके से क्या आपके साथ भी ऐसा होता है ये मुझे बताना यार। देखो इस तरीके से देखो कैसी कटिंग्स हो गई, सूख गई पानी में बिल्कुल। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया नहीं, सॉन्ग ऑफ इंडिया हाँ सॉन्ग ऑफ इंडिया ये सारी एक तरह से उसी की वैरायटी है, ये तो नहीं चल रही है बिल्कुल भी, तो पानी में ऐसे सूख गई है बिल्कुल। कब से नोटिस करी चलेगी चलेगी मगर ये बिल्कुल सूखती जा रही सूखती जा रही। तो अब इसे मैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, उससे पहले मैं इसे इन सबको पानी में ग्रो उसमें किसी में मिट्टी में लगाऊँगी, जिससे एटलीस्ट ग्रो तो कर जाए। और अभी मिट्टी में कहाँ लगाऊँ, तो ये देखो मेरा ये वाला है ना, इसको आगे शिफ्ट करते हैं भाई। मम्मी ऐसे इसमें जगह खाली है, मेरा ये कटिंग्स लगाने वाला है, ये इसमें जगह खाली है, इसमें तो मैंने सारी इसकी कटिंग्स लगा रखी है इसलिए इसमें जगह खाली है, इसमें लगाती हूँ। अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस देखो, इतने पौधे बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं तो इनका एक्सपीरियंस हो जाता है यार, पता चलता है। तो इसमें से ये कोलियस है ना, ये देखो ये सामने ही रखा है, इसकी कटिंग नहीं चलती बिल्कुल भी पानी में, ये कन्फर्म है। इसकी भी मैंने लगाई नहीं चली, कहते हैं कि कोलिस की कटिंग पानी में इजीली ग्रो कर जाती है, भाई नहीं ग्रो करती यार, गलत गलत मत बोलो सबको, बेचारे जो नए होते हैं गार्डनर उनको तो पता ही नहीं चलता बेचारे को। तो इसकी कटिंग आप कभी पानी में ग्रो मत करना, नहीं लगती बिल्कुल भी। और ये बहुत वैरायटी में आते हैं, इसकी नहीं चली है तो इसकी मैं क्या कर रही हूँ देखो। तो देखो बैठे बैठे मुझे एक और मिल गया, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया हाँ, ये देखो इसकी कटिंग भी नहीं चली, चलती तो किसकी तो चलती, किसी की भी नहीं चल रही है। ये देखो ये कटिंग भी मेरी वेस्ट गई, इसमें और कुछ लगा दूंगी, इन सब में इसको छोड़ती हूँ, एक और काम करती हूँ। देखो रात को जो मैं ये लगा के गई थी ना सिंपोनियम, ये सारे इसका अभी मुझे टाइम नहीं, तो हर एक एक बॉटल में ये जो बॉटलें रखी है ना इनमें पानी तो है ही और इस वाले में पानी है, तो इसमें ये सब लगा देती हूँ। ये कहाँ से निकले क्या निकले आपको पता है, कल की वीडियो देखी होगी आपने मेरी, कल शाम वाली तो कम, कल शाम वाली जो अभी सुबह आई है उस वाली वीडियो में देखोगे ना तो ये उस प्लांटर में से निकले थे। तो हर एक कोलियस को मैं इस तरीके से अभी पानी में लगा जाती हूँ ऐसे,
कोलियस पानी में बहुत अच्छा, कोलियस नहीं यार ये सिंगोनिया में, नाम ही गड़बड़ कर रही हूँ, कोलियस तो किसी हालत में पानी में नहीं चलते, सिंगोनिया पानी में इजीली ग्रो कर जाते हैं। तो हर एक बॉटल में ये लगा जाती हूँ, अभी टाइम भी नहीं है इन सबको लगाने का, और ये बाल्टी में ज़्यादा पानी में भी रहेंगे तो भी गल जाएंगे बेचारे, तो भी मेरे पास ये क्या खाली भी है ना, इनमें लगा देती हूँ एक एक। तो ये देखो ये वाले सिंगोनियम जो कल निकले थे ना, ये मैंने पानी में ग्रो कर दिए, और इसे कहाँ लगाऊँ, कहाँ रखूँ, तो एक यहाँ रख दिया और एक यहाँ रख देती हूँ ऐसे। तो सारी कटिंग जितनी भी थी ना उन सबको मैंने इन दो में शिफ्ट कर दिया, बाकी बॉटल्स खाली है अभी, तो इसको यहीं रख जाते हैं ये वाली बॉटल, और यहाँ से भी निकाल लेते हैं, नहीं तो उसमें क्या मच्छर वच्छर जाएंगे, इसमें सारा पानी वानी निकाल देती हूँ उसका पहले मैं, और अभी ये काम करते हैं। तो देखो इस तरीके से ये सारी कटिंग्स का मैं क्या कर रही हूँ, एक तो चलती चलो गलती रहती है, नहीं लगती पानी में भी, अगर एक तो चलती एक भी नहीं चली, तो इस तरीके से सारी ये पत्तियाँ निकाल रही हूँ मैं ऐसे ऐसे ऐसे, और इन्हें मैं ना मिट्टी में ग्रो कर दूँगी, जो भी आपको दिखाया ना उसमें ग्रो करेंगे ऐसे। और देखो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हुए ये वाला जो पार्ट है जो काफ़ी टाइम तक पानी में रहा, इसको मैं इतना काट देती हूँ, अगर ये भी नहीं, ये देखो इस तरीके से, ये देखो पानी पानी भर रखा है इसमें, ये नहीं चलती, सॉन्ग ऑफ इंडिया भी पानी में नहीं चलती, इसके पास सफ़ेद एरिया है ना, तब मैंने इसको ग्रो करना शुरू किया पानी में, इस तरीके से हो गई थी देखो ऐसे ऐसे। तो एक कटिंग हमारी तैयार हो गई, अभी इसको भी, ये जितनी भी पानी में थी इतने दिनों से, इसको मैं यूज़ में नहीं लूँगी बाकी सब, और इनकी सारी कटिंग ऐसे इस तरीके से मिट्टी में लगा दूँगी, तो ऐसे तैयार कर लेते हैं इन सबको, ये इस तरीके से इन सबको तैयार कर रही हूँ मैं। तो देखो इसमें से इतनी कटिंग्स निकली मेरी, छोटी छोटी से मैंने निकालने की कोशिश की है, एक में से तो बड़ी भी निकल गई है, बड़ी को मैं फिर आधी कर रही हूँ, देखो इस तरीके से ऐसे आधी कर रही हूँ। अब ये बस ध्यान रखना था सीधा पार्ट कौन सा है, ये हो गई, यहाँ से मैं इनको मिट्टी में ग्रो करूँगी यहाँ से, और ये देखो ये सारा सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये देखो ये पीली पत्ती वाला है जिसकी ये होती है, एक ये वाला है, और बस ये दो वैरायटी, इन दो ही वैरायटी को मैंने डबल डबल लगाया था, कुछ भी नहीं चला, ये सब व्यर्थ हो गया मेरा, ये देखो सारा। अब देखो टोटल कटिंग थी ये 3, 6 और ये 7, तो 7 होल इसमें छोटे छोटे से मैं कर लेती हूँ फटाफट से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्यों कर दिए हेमा, ये देखो ऐसे बस इसको उसमें लगा देंगे, और इस और इसके बारे में मैं आपको वो बताती रहूँगी। तो अब पता नहीं क्यों ऐसे कहते हैं कि लग जाती है पानी में, उनके लिए लगती होगी यार, आप भी मुझे बताना यार, आपकी भी कभी, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ, बाकी मेरी तो नहीं लगी भी है, लगती तो चलो एक लगती, एक भी नहीं लगी इसका मतलब ये नहीं लगती है पानी में, सीधा 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 पार्ट ये रहा, सूख गई थी बिल्कुल सूख गई, इसमें जितना भी मॉइस्चर है ना वो सारा ख़त्म हो गया। अब इसको अच्छे से पानी से भर के मैं शेडी एरिया में रख के आऊँगी या नीचे। तो इस तरीके से सारी कटिंग्स मैंने लगा दी, यहाँ 3 और यहाँ 4, अब पानी भरते हैं इसमें। तो ये तो मैंने यहाँ रख दी इस तरीके से शेड में, और ये जब ग्रोथ लेगी तो इसके बारे में मैं आपको बताती भी रहूँगी, साथ के साथ रिव्यू भी देती रहूँगी। तो चलो ठीक है, दूसरा काम करते हैं, एक और काम मैंने छेड़ा है। तो देखो आज मेरे तो क्या तबीयत ख़राब है, तो पतिदेव से बोला, पतिदेव ने थोड़ी सी हेल्प की, हम दोनों ने मिल के ये पौधा वहाँ से हटा लिया, देखो वहाँ से। अब इसका अभी तो कुछ नहीं करूँगी, देखो अब नीचे पतिदेव का नाश्ता बना के आते हैं, उनको प्लांट चाहिए उनका नाश्ता वाश्ता बनाते हैं, और उसके बाद आके अगर धूप तेज़ नहीं लगी ना या और मेरी तबीयत सही रही ना तो मैं कुछ काम करूँगी, बाकी नहीं करूँगी, फिर करेंगे कल शाम को क्या कह रही हूँ। देखो कितने अच्छे से इसमें इस तरीके से सूखी मिट्टी रहती है ना ऐसा, तो उसमें इस तरीके से फ्लावरिंग होती है, और देखो इसकी फूल, ये तो इसकी लीव्स होती है पता आपको, ये इसकी लीव्स होती है पिंक वाली, ये होते हैं इसके मेन फ्लावर, तो ये वाले होते हैं, ये इसके फ्लावर नहीं होते, फ्लावर होते हैं इसके अंदर जो आते हैं, ये इसकी पत्तियों का ही पार्ट है ये वाला पिंक वाला। तो चलो ठीक है, और देखो इसका कितना अच्छे से हो गया ये नीचे का, इसको मेरे को बॉन्साई बनाना है। अब इसको यहाँ से हटाऊँ, यहाँ जगह नहीं है, इसको उठाना पड़ेगा यहाँ से पहले। तो इसकी जगह लगा दी मैंने ये रजनीगंधा का, ये हल्का है, दिख रहा भारी होगा मगर बहुत ही हल्का है, इसलिए मैंने इसको रख दिया ऊपर। और इस प्लांट की जगह मैंने रख दिया है ये यहाँ सदाबहार यहाँ, और थोड़ा बहुत चेंजेस किया बाकी ऑलओवर सब सेम ही है, इधर ये। अब हम जाएंगे नीचे क्योंकि नीचे काम है मुझे, अब हम जाते हैं। बोगनविलिया वहाँ रख दिया, शाम को रात रिपोर्ट करेंगे बाद में, शाम को आके अभी थोड़ी सी देर बाद आके नाश्ता वाश्ता बनाते हैं उसके बाद में। तो चलो ठीक है, इस वाली वीडियो को तो मैं एंड यहीं कर रही हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो फ्रेंड्स सबको पता है कि क्या करना है। ओके बाय।